हाय गाइस, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी टेस्टी समोसे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है धनिया, अनियंस अगर आप चाहते हैं तो, और लहसुन, दो हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। और यहाँ पे आटे में हमने लिया है सूजी का आटा आधा बाउल, फिर मैदा पूरा बाउल, और यहाँ पे लिया है आटा गेहूं का आटा आधा बाउल, और थोड़ा सा नमक। यहाँ पे चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है खजूर, वो भिगो के रखा है, और ग्रीन चटनी मैंने पहले से ही बना के तैयार रखी है। जब तक आप आटा गूंदे तब तक आप चटनी बनाने के लिए खजूर भिगो के रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आटा अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें जब तक हमारा आटा होता है तब तक हम कुकर में अपने पोटैटोस बॉईल होने के लिए रख देंगे। इसमें मैं डालूंगी हींग 1 चम्मच, नमक 1 से 2 चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, लगभग 2 टेबलस्पून जितना ऑयल भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब सब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी डालने से पहले हमें आटे को और सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स करना है। ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद ही हमें पानी डालना है, उसके पहले पानी नहीं डालना है, इसका खास ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ सब कुछ, आप भी इसी तरह से सब कुछ मिक्स कर लीजिएगा। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, पानी डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आटे को ना ही ज़्यादा ढीला करना है और ना ही ज़्यादा कड़क रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए आटा। देखिए मैं किस तरह से इसे गूंद रही हूँ, आप भी इसी तरह से इसे गूंद लीजिएगा। आटे को छोड़ने से पहले आपको उसको थोड़ा मसलना पड़ेगा ज़्यादा देर तक। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, मेरी तरह आप भी कर सकते हैं, आपको ऐसे ही करना है ताकि आपके जो समोसे हैं वो क्रिस्पी बने और ढीले ना बने। अब एक बार आटा गूंद जाए तो उसके बाद हमें फिर से उसमें थोड़ा सा तेल डालना है। तेल डालने के बाद हम उसको फिर से मसलेंगे, आटे को फिर से गूंदना है हमें इसी तरह, इसी तरीके से। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ, आप भी इसी तरीके से आटे को गूंद लीजिए। आटा एक बार हो जाए उसके बाद हमें उसको आधे घंटे तक रख देना है, और फिर हम लोग बनाएंगे चटनी। यहाँ पे मैं मिर्च पीस रही हूँ ताकि हम समोसा का मसाला बना सकें। ये देखिए सबसे पहले मिर्च पीसने के बाद हम इसमें अदरक, और इसी तरह से हम इसमें लहसुन भी पीस लेंगे। ये देखिए ये अदरक और ये लहसुन मैंने लिया इतना। मेरे पोटैटोस तैयार हो चुके हैं, मैंने मकाई भी ली हुई है, बेबी कॉर्न आप डाल सकते हैं अगर आपको डालना है तो। यहाँ पे मेरी चटनी भी तैयार है खजूर की। अब हम स्टोव पे बर्तन रख देंगे, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल गरम होने तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। ये समोसा की स्टफिंग करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैंने हींग डाल दी तेल आने के बाद 1 चम्मच जितनी। इसके बाद हम लोग डालेंगे जो हमने पेस्ट तैयार की थी लहसुन की पेस्ट, उसको अच्छे से हम लोग भून लेंगे लहसुन को स्टोव पे। आंच हमें मीडियम रखनी है, तेज़ नहीं रखनी, वरना जो लहसुन है वो जल जाएगा।
उसके बाद हम लोग डालेंगे अदरक की पेस्ट, उसके बाद मिर्च की पेस्ट जो हमने तैयार की थी, तीनों को साथ में भून लेंगे। इसको थोड़ी थोड़ी देर छोड़ देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, लगभग एक छोटा स्पून। इसके अंदर अब हम डालेंगे चीनी और इसके बाद हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। चीनी अगर आपको डालनी है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। उसके बाद हमने थोड़ा गरम मसाला डाला, एक चम्मच जितना। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग धीमी आंच पे, धीमी या मीडियम फ्लेम भी रख सकते हैं आप। उसके बाद जो हमने आलू बॉईल किए थे उसको डाल देंगे, और हमारा बेबी कॉर्न यहाँ पे है उसको भी डाल देंगे। आलू को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने डाली चीनी जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू स्वाद अनुसार। आप जितना नींबू खाते हैं उतना डालिए, आप जितना खट्टा पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पे पूरा एक नींबू डाला है, देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं लग रहा। यहाँ पे हम मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी मिर्च की पेस्ट डाल चुकी है, इसलिए हम लोग मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेज़ आंच पे। ये देखिए, ये मेरा मसाला यहाँ पे तैयार हो चुका है। मैंने इसको धनिया पत्ता से गार्निश कर लिया है। अब हम लोग बनाएंगे समोसे का बाहर का पार्ट, जिसमें हम लोग फीलिंग भरेंगे। इसके लिए हमने जो आटा तैयार किया था उसमें से छोटे छोटे पार्ट्स निकाल के हम लोग ऐसे रोटी जैसे बेल लेंगे, जिसके हम दो पार्ट्स बना सकें और उन दो पार्ट्स में अलग अलग समोसे की स्टफिंग कर सकें। ये देखिए, ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है वरना ये फूल जाएगा, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है वरना अंदर टूट जाएगा तेल में, और फिर हमारा समोसा क्रिस्पी नहीं बनेगा। इसको अच्छे से बेल लेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। समोसा बनाने के लिए हमें इसको पानी से अच्छे से चारों तरफ से कर लेना पड़ेगा ताकि वो चिपक जाए, समोसा खुले ना। अगर वो तेल में जाके ओपन हो गया तो अच्छे से फ्राई नहीं होगा और तेल अंदर तक चला जाएगा और जो हमारी स्टफिंग है वो जल जाएगी। देखिए, इसे इस तरह से समोसे के आकार में आप बना सकते हैं। इसको फर्स्ट उंगली और थंब के बीच में भी आप रख सकते हैं। फिर इसमें हम लोग जो हमारी स्टफिंग तैयार की हुई थी उसको फील करेंगे। इसको बंद करने के लिए हम लोग पानी का यूज़ करेंगे ताकि ये अंदर जाके खुले ना। ये ओपन ना हो जाए इसीलिए हम लोगों ने पानी का इस्तेमाल किया था। देखिए, इसे अच्छे से टैप कर करके, प्रेस कर करके इसे बंद कर लीजिए। अब हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे, उसको गर्म होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने 6 समोसे तैयार करके ऑलरेडी रख दिए हैं, तेल आने तक मैं वेट करूँगी।
जैसे ही तेल आ गया वैसे हम लोग इसमें समोसे डाल देंगे तलने के लिए। मेरा तेल आ चुका है, मैंने इसमें समोसे डाल दिए हैं। बहुत ज़्यादा आंच पे नहीं रखना, तेल को हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है ताकि हमारे समोसे जले ना बाहर से। समोसे अंदर डालते वक्त बिल्कुल ध्यान रखेगी आप रखिएगा अपने हाथों का, कहीं जल ना जाए। अब इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट तक, जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। इसको लाइट ब्राउन तक तलना है। समय समय पर इसको उलटाते रहिएगा। अब मेरे समोसे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरे समोसे अच्छे कलर के आ चुके हैं। अब मैं अपने समोसों को अच्छे से बाहर निकाल लूँगी ताकि उनमें ज़रा भी तेल ना रहे। तेल को अब्सॉर्ब करने के लिए मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर रखे हैं। समोसे को मैं उसमें डाल दूँगी और हमारे क्रिस्पी समोसे तैयार है चटनी के साथ। आप इसे किसी भी तरीके की चटनी के साथ खा सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं, शेजवान चटनी के साथ भी खा सकते हैं, ग्रीन चटनी, कोई भी चटनी जो भी आपको पसंद हो उसके साथ खा सकते हैं। थैंक यू।